मोदी जी के सत्ता में आने के बाद स्टार्टअप और बिजनेस की दुनिया को पहले से थोड़ा ज्यादा सम्मान की नज़र से देखा जाने लगा है। तो स्टार्टअप की दुनिया और बिजनेस की दुनिया में सफल होने के लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे सीख की ज़रूरत होती है। लेकिन वो सीख हमें कहाँ से मिले जिससे हम एक सफल बिजनेसमैन बन पाए, उसका रास्ता काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हम फिल्मों से बहुत कुछ सीख सकते हैं जो हमें बिजनेस में सफल होने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो आज मैं 9 फिल्मों का लिस्ट लाया हूं जो बिजनेस पर बेस्ड है, सभी की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 से ज़्यादा है और नंबर 5 पर जो मूवी है उसका 1 मिलियन रेटिंग में 8.1 स्टार है। नंबर 3 पर जो मूवी है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है और नंबर 1 पर जो मूवी है वो पूरे दुनिया का पर्सनल फेवरेट है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की 9 फिल्मों की काउंटडाउन जो आईएमडीबी रेटिंग के अनुसार है। नंबर 9 पर जो मूवी है उसका नाम है विली वोंका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। ये फिल्म डायरेक्ट बिजनेस से थोड़ा हटके है लेकिन है काफ़ी रोचक। यदि आप भी कभी चॉकलेट के फैन रहे हों, आप नहीं तो आपकी वाली तो रही होगी, तो इस फिल्म को आप जरूर देखें। इस फिल्म में एक बच्चे को चॉकलेट इंडस्ट्री में घुमाया जाता है। चॉकलेट बनती किस तरीके से है, वो पैक कैसे होती है, चॉकलेट बनने से पैक होने तक के पूरे प्रोसेस को इस फिल्म में दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे जैसे आप फिल्म में आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों के इमोशन से कनेक्ट होते जाएंगे और आप खुद भी इमोशनल होते जाएंगे। 7.8 रेटिंग के साथ 1971 में आई ये फिल्म लगभग 2.5 घंटे की है। नंबर 8 पर जो मूवी है उसका नाम है द सोशल नेटवर्क। ये फिल्म FB के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग की बायोग्राफी है। क्या FB इनका प्लान था या फिर थॉमस एडिसन की ही तरह चुराया गया प्लान था? इस फिल्म से आप सीख सकते हैं कि किस तरह से एक छोटे से आइडिया को बड़ा बनाकर उसे मोनेटाइज किया जा सकता है। यदि आप भी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये फिल्म आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। 7.8 रेटिंग के साथ 2010 में आई यह फिल्म लगभग 2 घंटे की है। नंबर 7 पर जो ऑस्कर विनिंग मूवी है उसका नाम है द बिग शॉट। ये फिल्म 3 अलग अलग लोगों के दावों पर बेस्ड है जो एक साथ बोलते हैं कि US में हाउसिंग इंडस्ट्री बर्बाद होने वाली है, पर कोई भी इन पर भरोसा नहीं करता। बैंक वाले तो इसी को पागल बोलते हैं और चैलेंज भी लगा लेते हैं, वैसे कोई क्यों इन पर भरोसा करे जब अमेरिका में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो अगले 4-5 सालों में होने वाला है, पर इनकी इस बात पर कोई भरोसा नहीं करता, जिसका खामियाजा पूरे अमेरिका को भुगतना पड़ता है। 7.8 रेटिंग के साथ 2015 में आई यह फिल्म लगभग 2.25 घंटे की है। 6 नंबर पर जो मूवी है उसका नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। मेरे ख्याल से इस फिल्म के बारे में आप जानते होंगे। यदि आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो इस फिल्म को जरूर देखें। ये मोटिवेशनल कैटेगरी में और बिजनेस के कैटेगरी में दोनों में फिट आती है। एक बेरोजगार इंसान अपने बच्चे को पालने के लिए क्या क्या नहीं करता, उसी स्ट्रगल से बाहर निकलकर एक सफल इंसान बनने की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा देगी। 8 रेटिंग के साथ 2006 में आई यह फिल्म लगभग 2 घंटे की है। नंबर 5 पर जो मूवी है उसका नाम है कैच मी इफ यू कैन। आपको क्या लगता है, पैसे पाने के लिए हर इंसान को कमाने की जरूरत होती है? कुछ लोग धोखा देकर भी बिलियनियर बन जाते हैं। इसी धोखेधड़ी पर बेस्ट बायोग्राफी फिल्म फ्रैंक की लाइफ को दिखाती है। वो किस तरह पायलट, डॉक्टर और वकील बनकर लोगों को पैसे को उड़ाता है। आपने बहुत सारे जाली लोगों को देखा होगा, पर इनसे ज्यादा जाली लोग ढूंढना मुश्किल है। इनका अंत में होता क्या है वो आप फिल्म देखकर जाने। वैसे ये बता दूं, ये बायोग्राफी मूवी है जिसको 1 मिलियन लोगों ने रेटिंग दिया है 8.1। 2002 में आई यह फिल्म लगभग 2.25 घंटे की है। नंबर 4 पर जो मूवी है उसका नाम है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। पिछली मूवी में भी लियोनार्डो डी कपाड़ियो थे और इस मूवी के भी एक्टर लियोनार्डो डी कपाड़ियो हैं। भाई साहब, यदि आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं और आपने ये फिल्म नहीं देखी, मतलब कुछ नहीं देखा। दुनिया में अमीर तो बहुत लोग हैं, पर इतना अमीर जो नोटों के गड्डी पर सोता होगा वो काफ़ी कम ही मिलेंगे। और जॉर्डन भाई साहब का तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन जब खुद कोई बर्बाद होना चाहता है तो कोई क्या ही कर सकता है। पैसे आने के बाद क्राइम और करप्शन का रास्ता तो हर किसी के लिए खुल जाता है। इस फिल्म में आपको दोनों चीज़ें मिलेगी, कैसे बिजनेस में सफल होते हैं और बिजनेस सफल होने के बाद उसे कैसे खुद से बर्बाद करते हैं। 8.2 रेटिंग के साथ 2013 में आई यह फिल्म लगभग 3 घंटे की है, जिसे आप MX प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं। और नंबर 3 पर जो मूवी है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसका नाम है सोरेराई पोत्रो। ये फिल्म काफ़ी कमाल की है। हवाई चप्पल पहने इंसान किस तरह से जहाज पर बैठने का सपना देख सकता है, उस पर बेस्ड ये मूवी है। इसका रिव्यू मैं मस्ट वॉच फिल्मों में दे चुका हूँ, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। 8.7 रेटिंग के साथ 2020 में आई यह फिल्म लगभग 2.5 घंटे की है। और नंबर 2 पर जो मूवी है उसका नाम है पीचर्स। जीतू भैया के आप फैन तो अब तक बन ही चुके हैं, और यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप एक बार इस सीरीज को जरूर देखें। आइडिया कितना भी अच्छा हो, इन्वेस्टर मिलना वो भी इंडिया में कितना मुश्किल है वो आपको इस फिल्म को देखने के बाद पता चल जाएगा।
आपको किस तरह से नीचे गिराने में लोग लगे रहते हैं, ऑनलाइन आपके साथ किस तरह से फ्रॉड हो सकता है, अच्छी टीम की क्या महत्वता है, वो सब आप इस फिल्म से सीख सकते हैं। इस वेब सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं जिसके 10 एपिसोड हैं और 9.1 रेटिंग है। नंबर 1 पर जो मूवी है उसके 3 पार्ट हैं, नाम है द गॉड फादर। आपने ये फिल्म नहीं देखी या फिर नहीं सुनी, ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक आइकॉनिक मूवी सीरीज है जिसे पूरी दुनिया पसंद करती है। इस फिल्म सीरीज के पहले फिल्म को 1.9 मिलियन लोगों ने रेटिंग दिया है और रेटिंग है 9.2। दूसरे फिल्म का भी रेटिंग 9 है और 1.3 मिलियन लोगों ने रेटिंग दिया है। ये फिल्म बहुत सारी खूबियों के लिए जानी जाती है। शायद ही कोई बढ़िया एक्टर होगा या फिर फिल्मों को पसंद करने वाला इंसान होगा जो इस मूवी सीरीज की तारीफ नहीं करता है। ये फिल्म 3 ऑस्कर जीती थी। वैसे तो बहुत कुछ इस फिल्म से सीखा जा सकता है, पर किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी होता है कॉन्वर्सेशन स्किल, वो आप इस फिल्म से सीख सकते हैं। ये फिल्म एक बार में शायद समझ ना आए या फिर आपको बोर लगे, पर आप एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखें। तो यही थी 9 बिजनेस मूवी की काउंटडाउन। आपको इसमें से सबसे बेहतर मूवी कौन सी लगी उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे कौन सी मूवी लिस्ट पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखिए आप सब अपना।